मैं भी चाहता था कि मैं भी 9 लाख को साकार में मिलूं, मेरी भी चाहत थी पहले, मैं भी चाहता था 9 लाख को मिलूं, आया हूं तो बच्चों की भावना को पूरी करूं ना। जैसे आप बच्चों को कितनी उम्मीद लेकर आते हो, कितने दूर दूर से आते हो, साउथ वाले तो दो ट्रेन बदल के आते हैं, विदाउट रिजर्वेशन कई बार आते हैं बच्चे, रिजर्वेशन नहीं मिलता, आज 4 महीने पहले हो गया रिजर्वेशन, कभी इमरजेंसी को किसी को आना है, मुश्किल होती है, आपको हर पता है मुश्किल, कितनी मुश्किल से आते हैं, कईयों को वो डेट का नहीं मिलता, कईयों को वो ट्रेन नहीं है, कईयों को वीकली ट्रेन है, तो बहुत मुश्किल होती है। शिवरात्रि की अभी करा दी है ना, वो तो आप लोगों ने करा दी, बाकी तो जो जो नए वाले है वो उन्होंने कराई, वो जाके कराएंगे, चलो करा देंगे। इसलिए अभी जो समय जा रहा है, समय फास्ट गति से जा रहा है, समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है, काल चक्र समय का चक्र। अब जो समय से पहले निकल जाते हैं, समय से पहले पर्दे के अंदर है, अभी पर्दा पड़ा हुआ है क्या, पर्दे में जो प्राप्ति होती है, अगर पर्दा उठ गया तो फिर एक वाणी में बोले जिस दिन बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा मिलिट्री भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वाणी पढ़ी है आपने, हर वाणी में बोलता है बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप को प्रत्यक्ष करो, क्या निराकारी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बुद्धि तो लगाओ जरा, कौन से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, क्या शंकर बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, शंकर बाप है क्या, ब्रह्मा बाप है क्या, तो शिव तो बाप, शिव को बाप मानते हो तो निराकार है, और शिव को क्या भेद का बाप कहेंगे, ज्ञान आ जाए तो शिव को भेद का बाप तो नहीं कह सकते, वो तो एक छोटा सा ब्रह्मांड का मालिक है, एक सोलर सिस्टम का, और वो तो निराकार है, कैसे प्रत्यक्ष करो, शिव बाप, शिव बाप। और इस ब्रह्मांड का शंकर तो ओरिजिनली तो आकारी रूप में है, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा तो मनुष्य बन गया, इस ब्रह्मांड का विष्णु भी मनुष्य बन गया, मैं तो जानता हूँ लक्ष्मीनारायण कौन है, इस ब्रह्मांड का जो विष्णु कौन है, लक्ष्मीनारायण कौन है, मैं जानता हूँ, मगर आपको अभी बताऊंगा नहीं सकता ना, मैं बताऊंगा तो आप, मैं उनको भी नहीं बता सकता कि तुम लक्ष्मी हो, तुम नारायण हो, मैं बताएंगे सबको, साक्षात्कार होगा अपने आपका, तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग भरी है, तुम्हारी आत्मा में, हर कोई की आत्मा में रिकॉर्डिंग भरी है, जब दिव्य दृष्टि देंगे, पावर आएगा तो सभी को अपने अपने स्वरूप का, तुम क्या थे पहले, तो तुम क्या थे, तुमने इस धरती पर क्या पाठ बजाया, कितने सालों से निकले हुए, कहां से आए, वो सब प्रत्यक्ष हो जाए, और फिर दूसरा सेकंड में तुम क्या बनोगे, दूसरी सेकंड में सब अपनी बुद्धि रूपी टीवी में सब देखेंगे कि मैंने क्या पाठ बजाया, मैं कितने साल पुरानी आत्मा हूँ, कहां से आया हूँ, इस सौ कला वाला हूँ या ऊपर वाले का रचना हूँ, क्या है, सब पता लग जाए, और फिर दूसरी सेकंड में तुम क्या बनोगे, दूसरी सेकंड में तुम क्या बनोगे, वो तुरंत सबकी बुद्धि रूपी टीवी में डाल दिया जाएगा, तुम क्या बनोगे, नई दुनिया में तुम क्या पाठ बजाओगे, नई दुनिया में तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है, नई दुनिया में तुम्हें क्या मिलेगा, बाप से, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद की प्राप्ति होती है, तो बेहद की प्राप्ति क्या हुई, कईयों को अंतिम समय में आएंगे, कई लोग अभी, कई लोग को कहते होंगे, सेवा भी करते हैं, जैसे अब साउथ वाले 6 आत्मा आ गए, बाकी रह गए, नहीं आए, डर गए, तो यहाँ तो डर गया सो मर गया, क्या डर गया सो मर गया, हिम्मत के बच्चे तो मदद है बाप, इसलिए अंत में वो जब यहाँ फिर 16,000 की लाइन में खड़े हो जाएंगे तो रोएंगे, हाँ हमें तो मैसेज मिला था मगर हम डर गए थे, देखो डर गए तो फिर तुम्हारा नंबर पीछे हो गया, डर के नहीं आए, इसलिए हिम्मत तो करनी चाहिए, डीके में से पीपीके में जाते हैं तो हिम्मत करते हैं, एक दीवार तो तय कर लिया, दो दो दीवार तर के आओ, वाणी में सताने की वाणी में बोले
तुम दोनों डबल विदेशी। कौन हो तुम? असली डबल विदेशी तुम हो, वो तो लौकिक विदेशी है, डबल विदेशी। वाणी में जो डबल विदेशी क्या आ जाता है वो तुम हो, दो दो दीवारें तय करके आते हैं। एक छलांग और लगा दो, सब कोई मत दो, एक छलांग लगाई अब एक छलांग और लगा दो। बीबीके में जो है उसको बोले एक छलांग तो लगा दिया, दूसरी छलांग लगा दो, तुम हनुमान बन जाओ, हाँ एक कुत्ता और लगा दो, श्रीलंका से भारत में लगा दो खुद का जंप, लगा दो हाई जंप, देखो आएंगे बच्चे, आएंगे निकलेंगे अच्छे बच्चे आएंगे, मगर अच्छे बच्चे आएंगे फिर मैं समय नहीं दे पाऊंगा उतना, उसी टाइम मेरी भावाती स्टेज है, अभी भी भावास्टिक बन जाती है, भावनाओं से परे चले जा रहा हूँ, फिर भावनाओं में नहीं होगा ना मैं, आएंगे ऐसा ऐसा होगा तो भावातीत होगा। अब जो साकार में जो प्यार होता है, साकार में पहले जो मैं प्यार देता था उसका अभी आप लोगों को जो प्यार देता हूँ वो बहुत कम है, पहले जो मैं देता था मेरे पास इतनी भावनाओं के साथ बच्चों को मैं गले लगाता था, जो भाई लोग होते हैं सबको गले लगाता पहले शुरू से, बहुत इंतजार करता था, आज इंतजार करता हूँ मैं, पर वो भावना नहीं थी जो आज, पहले भावना बहुत थी, इसके मुकाबले आज कम है, धीरे धीरे मैं भावातीत बन जाऊंगा, जैसे कर्मातीत बन जाऊंगा भावातीत गुणातीत सब स्टेज बदलती जाएगी, फिर साक्षात्कार। मैं भी चाहता हूं, मैं पहली भी मेरी थोड़ी चाहत थी मैं 9 लाख को साकार में मिलूं, मेरी चाहत थी, मगर मेरी भी चाहना मेरा शरीर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे भी सामने वो 1 लाख का हॉल तो बना रहे, मुझे पता है 1 लाख का हॉल मेरे लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि एक साथ में 1 लाख को मिल लो ज्यादा से ज्यादा, साकार में पर्सनल ना मिल पाओ तो एक एक मिनट एक को मिलने का उसका आग्रह है, सबको एक एक मिनट मिलो ऐसे, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी भगवान के पीछे लगाई है। हमने बोला था एक साथ में ग्रुप में आ जाओ 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ा समय ऐसे करेंगे, मगर जैसे भी पावर ट्रांसफर होगा ऊपर से इतना पावर आएगा, पावर जैसे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये शरीर ऑटोमेटिक व्यक्त सेवक बन जाएगा, ऑटोमेटिक। मैं चाहूँ तो भी, मैं फिर व्यक्त में, मैं चाहूँ तो भी नहीं रह सकता, मुझे पता है ना मेरा व्यक्त में रहना कितना टाइम है, मैं खुद चाहूँ कि मैं साकार में रहूँ तो भी नहीं रह पाऊँ, समझ में आया, मैं खुद व्यक्त में रहना चाहूँ तो भी नहीं, क्योंकि 1 लाख सामने पावर ले रहे हैं, इतनी पावर ऊपर से आ रही है, क्योंकि 1 लाख का ओरा बनाना है, उसको पावर देना है, उसको भी व्यक्त से व्यक्त बनाने का, उसका कारण से रिचार्ज करना है, उसको विकर्म विनाश करने है, सामने आए तो उसका विकर्म विनाश करना है, बच्चों को 1 सेकंड में पावर भरना है, तो ऊपर से इतना पावर आएगा तो मेरे सामने जो नजरों से निहाल करना है बच्चे, जो एक साथ में 1 लाख को नजरों से निहाल करना है, तो 1 लाख को नजरों से निहाल करो, ऊपर से इतना पावर आएगा कि पावर हाउस, ये पावर हाउस बन जाएगा, ये भी व्यक्त से अवैध ऑटोमेटिक बन जाएंगे, इसलिए ये प्रोसेस को नहीं जानते, ये प्रोसेस को कोई नहीं जानता, केवल साकार अनुभव कर सकता है कि जैसे अभी भी बच्चे इतने 50-100 बच्चे आ जाते हैं तो भी इतना पावर देता हूँ तो मेरी स्टेज ऐसी हो जाती है, फिर मुझे एकांत चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, फिर शांति चाहिए, फिर बातचीत करने का मन नहीं होता, निसंकल्प ज़्यादा रह जाते हैं, फिर वाणी से परे मन करता है, ये तो आप लोग बच्चे हैं तो बात करें, तो ऐसी स्टेज बन जाती है, न जाते हुए ऐसी स्टेज बन जाती है। साकारी स्टेज लाने में फिर मेहनत होती है, साकारी स्टेज में आने में मेहनत लगती है, तो उनको पता नहीं अगर ये यहाँ भी 1,000 सामने आ गए तो मेरी इतनी उपरांत स्टेज हो जाएगी कि शायद मैं हवा में दिखाई दूंगा आपको, 1,000 सामने आ जाए तो पावर कितना होगा, पूरा पावर भरेगा, तो जो आने वाले हैं भी वो भी व्यक्ति में अवैध स्वरूप बनते जाएंगे, उनका कारण से रिचार्ज होगा, और उनको एक साथ में 1,000 को पावर दोगे तो 1,000 पावर आएंगे तो पूरा ओरा कितना बन जाएगा, 40 फुट का ओरा पूरा भर जाएगा परम तत्वों से। इसलिए ये बात जो है ये कोई समझ नहीं पाता, इसी बात को आगे आने वाले बच्चे प्रैक्टिकल में देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे, इसलिए तुम थोड़े हो, इसलिए मैं साकार में हूं,
समझ में आए, तुम थोड़े हो इसलिए मैं साकार नहीं। फिर आगे अगर यहाँ भी 1000 आ गए सामने, यहाँ 1000 बैठे हो मेरे सामने और पूरा पावर भर गया, यदि कारण से रिचार्ज करूंगा तो सबके पावर कितना उतारू, ऊपर से पावर आएगा थ्रू, मुझे ही उतारना पड़ेगा, ऊपर से उतारूंगा मैं तो जितना पावर ट्रांसफर होगा, ये पावर पावर ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा ना, मैं क्या बन जाऊंगा, पावर ट्रांसफॉर्मर। तो इतनी बहुत पावर ट्रांसफर होती है जो शरीर फिर गायब हो जाए, वाणी में बोला है अंत में तुम्हारा वेब शरीर गायब होकर इस शरीर ने लाइट की बॉडी हो जाए, लाइट की बॉडी हो जाए, आगे चलकर होना है। फिर क्या होगा, ऐसा ही होगा ना, फिर लाइट में देखोगे सब ऐसा ही होगा, लाइट में देखोगे, ये होना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, चुमन लोगों ने जो साकार का प्यार लिया, आगे आने वालों को इतना नहीं मिलेगा, मिलेगा प्रतिभा मिलेगा हाँ? मिल सकता है। तुम लोगों ने जो पाया, गुजरात वाली माताओं को तो तुम्हारी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाया, गुजरात वाली माताओं को तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बना के खिलाया, तुम्हारी माँ ने आपके लिए खाना, मैं भी आपके सामने बैठता था, मैं आपसे बातें करता रहता था, आप काम करते थे, तुम्हारी माँ ने दूध में बादाम डाल डाल के खिलाया। क्योंकि दिल्ली से जब आते हैं लोग दिवाली में तो उसके बेटे इतने बादाम पिस्ता ये सब इतने दे देते हैं, तो वो ले आते हैं तो बच्चों को बांट देते हैं, वहां पर इतने को खाने, वहां तो उनके नौकर जाकर बादामों के से रोज बादाम इतने खाते रहते, इनके नौकर जाकर रोज बादाम खाते, इतने ढेर पड़े होते हैं, तो वो ले आते हैं यहाँ बच्चों को बांटते हैं। तो तुम जो जिन्होंने इनके हाथ का खाना खाया, देखो जिन्होंने ब्रह्मा के हाथ का खाना खाया, ब्रह्मा भोजन जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे, असली ब्रह्मा भोजन, वो ब्रह्मा कितना बड़ा है वो तुम्हें नहीं पता, अभी देखो, अभी मैंने बोला आराम करो थोड़ा, तबीयत ठीक नहीं, आराम करो, कल सुबह 10 बजे फिर लवाणी लेकर आ जाएंगे, ऐसी वाणियां ढूंढ निकालेंगे पूरे, बच्चों को जाके सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, बहुत शौक होता है, मगर मुंह में छाले पड़े हैं ना इसलिए थोड़े बोल कम बोलते हैं। तो देखो ये दिन को ब्रह्मा भोजन, वाणी में बोले ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी दुर्लभ है, ब्रह्मा ने अपने हाथों से बना बना के खिलाया, पहले पहले शुरू शुरू में मैं भी बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता था, जो बच्चे आते थे ना उनके साथ मैं बैठ के खाना खाता था, बाद में धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया, साथ खाएंगे, बोला था साथ खाएंगे, साथ खा के निभाया मैंने, यहाँ बैठ के हम साथ में खाते थे, यहाँ बच्चों के साथ यहाँ बैठ के खाते, मैं नीचे बैठ के बच्चों के साथ खाता था, बच्चे मेरे लिए फिर भी टेबल ले आते थे, कुर्सी टेबल रख देते, बच्चे सब साथ में खाते थे, कई बार घंटों भर बातें करते, ऐसे ही बातें करते रहते थे, मोर बहुत आते थे यहाँ पुराना, तो यहाँ बहुत ये झूले यहाँ झूले थे चारों, बहुत ये पार्टी प्लॉट बनाया उससे पहले, तो पुराना सीन देखो हो गया, मिलेंगे आपको 2005 में ये कन्वर्ट पुराने बहुत इतने आता था, मोर डीवीडी में है देना, डीवीडी में है बहुत मोर, हम यहाँ बैठे रहते थे, मोर बहुत आते थे, कम से कम 20-25 मोर डेली आते थे, रोज 2 किलो जुआर डालते थे, जुआर व्हाइट जुआर आती है ना, जुआर व्हाइट, वो जुआर खाते बहुत, डेली 2 किलो जुआ डालते थे डेली, इतने मोर आते थे हमारे पास, आते थे हमारे हाथ से खाते थे, वो प्राण गोपाल था ना कलकत्ता का, वो अपने हाथों में खिलाता था, अपने हाथों से खिलाता था, हम भी बहुत नजदीक आते थे, बहुत ही नजदीक, इतने प्यार करते थे, कलाई निकालते थे मोर, इतनी कलाई डांस करते थे, हम यहाँ म्यूजिक बजाए तो डांस करेंगे हाँ, वो झुंपड़ी वहां थी, झुंपड़ी में भी योग करते थे, बहुत अच्छी झुंपड़ी थी, यहाँ भी झुंपड़ी थी, प्रतिमार भी चला यहाँ, पुरानी यादें, अंत में पुराने फोटो भी ऑनलाइन रख देंगे, पुरानी चीजें जिनकी मेरे पुराने फोटो है ना ऑफिस के, वो ऑनलाइन रखू, बच्चों को पता लगे मैं सूट बूट टाइट पहन के तुम्हारा बाप कैसा लगता था, विजिट आवर वाला ऑफिस
आया है कन्हैया। उसी टाइम वो सब मुझे कन्हैया समझते थे, उसी टाइम सब मुझे कन्हैया समझते थे। बढ़िया वकील, हाँ हमारे घर में है आपकी फोटो, सुंदर लगते थे बापू जी। हाँ वो मगर जो मैं बहुत बिजी टावर की ऑफिस का उद्घाटन किया मेरी नई ऑफिस का, तब उसका फोटो काफी पड़ेंगे, पुरानी वाले में शायद पड़े होंगे। अच्छा रख लेना, काफी फोटो रख लेना, उसको पता लगे, बच्चों को पता लगे तुम्हारा बाप कैसा था सूट बूट में। देखो बच्चे सबको प्यारे होते हैं, मैं भी समझता हूँ, मैं भी बच्चों की भावनाओं को समझता हूँ, मगर मेरी एक लिमिट आ जाती है, साकार में एक लिमिट होती है, साकार में एक लिमिट होती है। साकार में बच्चों को प्यार देना, मिलना, पावर देना एक लिमिट हो जाए। ज्यादा बच्चे आ जाएं तो एक एक को, अभी तो जैसे बात करते हैं एक एक से, तो मुश्किल हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। फिर मन है ना, मन भावातीत बन जाता है, मन भावनाओं से परे चला जाता है। मैं खुद चाहता हूं कि पहले जितना प्यार जो मैंने साकार में बच्चों को प्यार, कितना मैं बच्चों के साथ बैठता, खाता, पीता, बोलते, मजा आता। शुरू शुरू में बहुत खुशी होती थी, बहुत मजा आता, नहीं गर्वे करते सब, हम दोनों बीच में बैठते और सब बच्चे बहुत बड़ा गर्वे करते, सब बच्चे आते नवरात्रि में। हाँ तुम्हारी माँ के साथ रासलीला तुम लोग करते, तुम्हारी माँ ने रासलीला भी किया है, सब बच्चे रासलीला भी करते थे यहाँ। बच्चों ने, कितने बच्चों ने रासलीला की है? अच्छा रासलीला भी यहाँ करते थे हम। कई बच्चों ने उसी टाइम जगदम्बा बनाकर उसकी भी बनाकर पूजा भी की है, पूजा आरती भी की है, भक्ति मार्ग भी चलाए। बच्चे थे, भावना वाले थे, बच्चों की भावना थी बहुत, चला यहाँ डांडिया भी खेलते हैं। हम दोनों ने खेले राधा कृष्ण बनकर, राधा कृष्ण बनकर, राधा कृष्ण बनकर। हाँ उसी टाइम राधा कृष्ण के पार्ट में हम राधा कृष्ण के कपड़े भी पहनते थे, मैं कृष्ण जैसे कपड़े पहनता था। पूजा बच्चे आते थे, एक बार शंकर भी बना था, वो आया था कलकत्ता वाला पुजारी, वो क्या नाम उसका, क्या नाम, वो 6 महीना रहा था यहाँ, नहीं वो सन्यासी नहीं था, वो क्या नाम, मंगल सिंह, मंगल मंगल उसका नाम रखा था, डाकू मंगल सिंह। वो पूरा 1000 करता था, बहुत अच्छे, मतलब उसी टाइम खुशी थी, हम लोग बहुत खुश रहते थे, बच्चे जो भी आते बहुत खुश रहते, बहुत खुशी थी, इतनी खुशी आज नहीं है तुम बच्चों में, वो जो खुशी में उन बच्चों में हम लोग खुश रहते थे, कितना खुश माया ऐसे डांस करती थी। उसमें इतनी मतलब गरबे घूमते थे, सब रास लेते थे, गरबे घूमते थे, बहुत मजा आती थी बच्चों के साथ, हम भी घूमते थे, खेलते थे, मजा आता था। कभी रात को 12 बजे तक, हाँ नारायण उसकी बहन कमला, कमला बहुत अच्छी थी, देखो बेचारी आ नहीं पाती, बहुत अच्छे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे थे कि उसी टाइम की याद करो तुम वो खुशी। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया मगर खुशी कम होती गई, ज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे ज्ञान आया वो ज्ञान खत्म हो गया। हाँ बेहद की खुशी है, मगर खेत की खुशी है, मगर हद की में भी खुश तो रहो ना, वो भी है, वो भी है। दोनों मिलना चाहिए, दोनों है, अंदरूनी खुशी, वैसे तो अंदरूनी खुशी बढ़ती है, जैसे अंदरूनी खुशी वो बाह्य खुशी थी, क्या था ये बहिर्मुख खुशी थी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी, अब अंदरूनी खुशी होनी चाहिए, अंदरूनी खुशी बढ़ी है सबकी, पहले से अंदरूनी खुशी जो अनुभव करते हैं ज्ञान से, बच्चे जो अंदरूनी खुशी का अनुभव करते हैं
एक ज्ञान लेने के बाद कि अंदर से मन खुश हो कि हमें जो वास्तव में जो पाना था वो पा लिया है, ऐसे बच्चों का अनुभव है, तो अंगुली उठाओ तो मैं देखूं अंदरूनी खुशियां, अंदर से खुश होने चाहिए कि मुझे जो चाहिए था वो मिला है, जो वास्तव में चाहते थे वो मिला है। आज आज भी अंदरूनी खुशी बहुत होनी चाहिए। अंदरूनी खुशी ओरिजिनल है, ये बाह्य खुशी थी, मगर वो खुशी अलग थी, वो बाह्य खुशी, ये अंदरूनी खुशी, अंदरमुखी, अंतर्मुखी। क्या वाणी में बोला? अंतर्मुखी सदा सुखी। मगर आगे चलकर पावर मिलेगा, प्यार मिलेगा, मगर वो साकारी प्यार धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये रूहानी प्यार मिलेगा। क्या मिलेगा? रूहानी पावर, रूहानी प्यार माना पावर, पावर के साथ प्यार होगा। एक दृष्टि मिलेगी, दृष्टि से नजरों से न्याल करेंगे, नजरों से न्याल, ऐसे समय आएगा, ऐसे बच्चे आएंगे सामने पावर लेंगे, वो भी नजरों से न्याल हो जाएंगे, उनके विकर्म एक सेकंड में विनाश हो जाएंगे, और वो भी बाहर जाने का कोई नाम नहीं देगा, बोले जो हमें बाहर नहीं जाना है, उसी टाइम बच्चे अवैध से अवैध बनते जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे अंदर सब आना चाहेंगे, ये अहमदाबाद लाइट हाउस बनेगा, गुजरात लाइट हाउस बनेगा, 16,000 अवैध से अवैध बन जाएंगे, और उसको योग के प्रयोग बनाकर उसको बहुत आगे बढ़ा देंगे, तब 9,00,000 को मिलेंगे। 9,00,000 जब मिलेंगे तब वो हमारी स्टेज किसी की भी व्यक्त में नहीं होगी, 16,000 वाले भी व्यक्त में नहीं होंगे, समझ में आए? 16,000 वाले भी व्यक्त में नहीं होंगे, सब लाइट स्वरूप में होंगे, थोड़ा व्यक्त, कभी व्यक्त, एक सेकंड में व्यक्त होंगे, मगर तुरंत ही अव्यक्त बन जाएंगे, एक सेकंड में व्यक्त, एक सेकंड में व्यक्त, एक सेकंड में व्यक्त, एक सेकंड में स्टेज बनेंगे, उसी स्टेज में हम 9,00,000, समझ रहे हो? 9,00,000 को कैसे स्टेज में मिलेंगे? एक सेकंड में व्यक्त में आए, ऐसा किया, फिर दूसरे सेकंड में अव्यक्त, नजरों से ज्ञान, ऐसे ही करेंगे। मगर साकार को मिलने की जो साकारी भावना होती है, साकारी बाप की भावना, साकारी बाप का प्यार, वो भावातीत प्यार हो जाएगा, रूहानी प्यार हो जाएगा, आत्मिक प्यार हो जाएगा, परमात्मिक प्यार हो जाएगा, मगर वो अंदर की खुशी लाए। मगर जिन बच्चों को, जिनको मैसेज मिला था, जो आना चाहते थे, कोई डर के मारे नहीं आए, कोई परिस्थितियों के वश नहीं आए, और जिन्होंने थोड़ी सी गलती की वजह से 16,000 का भी पद अन्य घुमा दिया, 16,000 की भी सीटें खत्म हो गई, और बाद में 9,00,000 में आना पड़े, 16,000 की भी वैकेंसी खत्म हो जाए, क्योंकि वो वैकेंसी बनने में टाइम नहीं लगे, वो तो लाइन लग जाएगी, 16,000 की सीटें बनने में टाइम नहीं लगेगा, वो तो लाइन लग जाएगी, लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, और फिर अंत में एक आत्मा, सीट खत्म हो गई, एक आत्मा आ गई, अरे अभी अभी तेरी सीट खुली, खत्म, टिकट बुकिंग खत्म, टिकट बुकिंग खत्म, नो वैकेंसी फॉर, वो नहीं, वो अब मुझे एक बार याद है, एक बार मैं रात को, हम 3-4 दोस्त थे, एक रात को 9 बजे वाला कोई पिक्चर देखने गए, हम 3-4 दोस्त थे, मैं कॉलेज में पढ़ता था, उसी टाइम हम 60 पैसे वाली टिकट लेते थे, कौन सी 60 पैसे वाली, जमीन का, मुझे मुझे कुछ कोई, मेरा एक रिलेटिव था, उनको मुझ काम करता, महीने में 2 रुपया देते थे मेरे, महीने में 2 रुपया, तो उनमें से मेरे दोस्तों के साथ महीने में एक बार पिक्चर कभी देखने जाया करता, तो 7 पैसे वाले आगे बैठते थे, एक बार हम चारों गए और ऐसे ही 4 की टिकट मांगी, तो बोला बस 9 वैकेंसी, तो 7 पैसा वाली खत्म, 7 पैसा वाली खत्म, अब 1.5 रुपये वाली है, अब 1.5 रुपये तो जेब में था नहीं, 1.5 रुपये जेब में था नहीं, 7 पैसा भी मुश्किल से जोड़ा था, अरे भाई चलो घर पे वापस, तो 16,000 की वैकेंसी नहीं होगी, टिकट नहीं मिलेगी 16,000, फिर तो जब यादव कुल टूटेगा ना, तो एक साथ टूटेगा, क्या टूटेगा, एक साथ हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार और जय जयकार,
आकार, वाणी पढ़िए ना, आकार और जय जयकार। आकार होने की तैयारी, जैसे ज्ञान पूरा हुआ रिकॉर्डिंग हुई तुरंत, हाँ तो पहले यादव कुल से आकार जय जयकार होगा। और जैसे 16,000 की घंटी बज गई, फिर 16,000 के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया, तब 9 लाख वाले जागेंगे, 9 लाख वाले तब जागेंगे, मगर टू वहां तो साकार में मिलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। साकार में मिलने का कोई, 9 लाख को मिलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि मैं चाहूं तो भी नहीं मिल सकता, मैं खुद चाहूं तो भी नहीं मिल सकता, मेरी मजबूरी है। समझ मेरे मेरी बात, मैं आप बच्चों को समझा रहा हूं, मैं खुद चाहूं ना मैं मिलूं तो भी नहीं मिल सकता। मेरी भी पहले मन में इच्छा होती थी कि मैं 9 लाख को साकार में मिलूंगा, ऐसा मन में था, इच्छा थी मेरी, मैंने कई बार पहले भी चाहा था मैं 9 लाख को साकार में एक बार मिलूंगा, एक बार मिलूंगा, मेरा मन कहता है मिलूंगा, मगर मेरी स्टेज कहती है, आज की जो मेरी स्टेज है वो स्टेज मेरे को वो अलाउ नहीं करती, मैं कितना भी कोशिश करूं। इसलिए देखो साकार की भावना, आज भी भावातीत तो हूं मैं, तुम लोगों को मैं जो जितना वैसे कोशिश करता हूँ प्यार दूं, मैं कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ तुम लोगों को कोशिश करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कुछ इच्छा रह जाए बोल दो बोल दो, इसलिए तुम ना चाहो तो भी मैं देना चाहता हूँ, तुम ना चाहो तो भी मैं देना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चलकर मुझे इतना वरदान देने का मौका नहीं मिलेगा, लेने वाले ढेर आएंगे मगर मैं वरदान उसी टाइम क्यू में खड़े होंगे, क्या होगा क्यू में, क्या यहाँ 1,000 खड़े हो जाएंगे तो 1,000 से मैं बात कर पाऊंगा, आएंगे एक साथ में 1,000 आ गए बात कर पाऊंगा, ऐसा ही होगा फिर, अभी एक साथ में 1,000 तो उसमें खोली है ओपन है वहां, वो 16,000 की ओपन टिकट है, 16,000 वाली टिकट मिलेगी, कौन सी टिकट मिलेगी 16,000 वाली, अब 60 पैसे वाली टिकट का तब 1.5 रुपया लगेगा, 7 पैसे वाली टिकट तो तब 1.5 रुपया लगेगा, जेब में 1.5 रुपया है तो आओ अंदर, मतलब यहाँ जिनको ने जो पुरुषार्थ किया ये यहाँ वैल्यू है उसकी, क्या बीके पीबीके होकर जो वहां यहाँ तो बेहद के बेहद का पद्मा पद्म, यहाँ तो थोड़ा कुछ मिल किया तुम्हारा भाग्य बन गया, वहां पूरे 40 साल लगाए और यहाँ 4 दिन, वहां 40 साल यहाँ 4 दिन, इतना भाग्य प्राप्ति भी इतनी, देखो इसलिए मैं जब भी मेरे को चांस मिलता है मैं आपके बीच में आके बैठता हूँ, समझाता हूँ बार बार वही बात समझाता हूँ, आगे आने वाले दिन बहुत फास्ट गति जा रहे हैं, काल चक्र बहुत चल रहा है, बाद में समय जिसका टीचर बनेगा, क्या बनेगा वाणी बड़ी है समर, अगर समय से पहले तुमने तैयारी कर ली तो माप मिलेगा, पर्दे के अंदर है तो पर्दे का मिलन, पर्दे पर्दे के अंदर है आप लोग, पर्दा खुल गया तो जब सारा रात खुल जाएगा सारे पर्दे खुल जाएंगे, आकार जय जयकार 9 लाख के सामने तो क्या होगा, आकार जय जयकार होगा, जब बात जिस दिन बाप प्रत्यक्ष होंगे तो क्या उनकी हालत क्या होगी, उनकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हो, मुझे दर्द होता है कि उनकी हालत क्या होगी, मुझे दर्द होता है क्योंकि मैं अभी साकार में थोड़ा तो हूं ना, ये लोग कितना अपने आप को पिटेंगे, अपने आप को पिटेंगे, आपको नहीं पता, तुम लोगों को कहेंगे तुमने पाया हमने खोया, क्या कहेंगे तुमने पाया हमने खोया, अब प्रतिभा लाख कोशिश करके वहां लोगों को बड़ी बड़ी बहनों को समझाती है फोन कर करके, नहीं मानते, समझाती है बीके में बड़ी बड़ी इंचार्ज बहने हैं, विष्णु पार्टी को तो नाम से ही, विष्णु पार्टी नाम से ही घबराते हैं, विष्णु पार्टी नाम से ही घबराते हैं, तो उसी टाइम क्या होगा, उसी टाइम बाप को भावातीत बनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सबको वो देख नहीं पाएगा, सबको वो देख, रोते हुए कोई भी बाप अपने बच्चों को देखता है वो रोएंगे ना, चिल्लाएंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे, साकारी बाप वो तो भी अव्यक्त बन जाए, ऐसे ही भावनाओं से परे, भावनाओं में नहीं आ सकते, आज भी कई बार बच्चों को देखकर फील होता है, पुराने जो चले गए अब उनके लिए भी फील होता है, जिन्होंने लिख के दिया कि मेरी सारी जिंदगी भगवान के नाम पर है, आपको दे दिया,
पूरी जिंदगी मैंने आपको दे दिया, ऐसे ही चले गए। अब जो चले गए उनका कोई उसी टाइम अफसोस होता था, उसी टाइम बहुत दर्द होता था, चले गए वो चला गया, अरे वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, दर्द होता। इसके पीछे मेहनत की, कितनी मेहनत की, कईयों के पीछे कितनी मेहनत की, वो चले जाए। वो जैसे कोई बच्चा तुम बड़ा करो और डिग्री, डॉक्टर की डिग्री लेके रास्ते में आ रहा हो और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, ऐसी हमारे पर गुजरती थी, अरे वो भाग गया, वो चला गया, वो कितने बच्चे, कितने ढेर के ढेर बच्चे, अनन्य बच्चे जिनको हम, मैं समझता था 108 में आएगा, मैं समझता था 108 में आएगा, उसी टाइम मैं कहता था 108 में आएगा, वरदान नहीं दिया था मगर सोचता था कि 108 में आएगा, ऐसे चले गए। दर्द कितना हुआ होगा आप सोच सकते हो, कितना दर्द हुआ होता था, बहुत दर्द होता था, मन अशांत रहता था। ऐसे बच्चों को पाला, बड़ा किया, ज्ञान दिया, इतना और चले गए। अब वो भावना हो गई, अब भावातीत बन गया, अब वो कोई बात नहीं, चलो उसका भाग्य नहीं बना, कोई बात नहीं, दूसरे आ गए, क्या हुआ, वो जाते थे दूसरे आ जाते थे, फिर दूसरों को मेहनत करते थे वो भी चले जाते, तीसरे आ जाते, तीसरे भी चले गए, चौथे आ जाते, चौथे आ गए, फिर पांचवे आ गए, अब नंबर और आते गए। जैसे कल ट्रेड होता है, पेड़ बड़ा होता है तो नीचे पत्ते जड़ जाते, ऊपर नहीं आते, हम चलते चलो पेड़ बन जाता है, पेड़ बनता है, पेड़ बनता है, ऐसे होता है। 18 साल से मैं देख रहा हूँ पेड़ ऐसे जड़ता गया, जड़ता गया, बीज आ गए। जब बीज आते हैं तो कोई भी वृक्ष पर बीज कब आते हैं, जब सारे पत्ते जड़ जाते हैं, बीज आते हैं, कोई भी वृक्ष देखना, बीज आते हैं तो पत्ते जड़ जाते हैं, बीज पकते हैं तो पत्ते जड़ जाते हैं। बीज आ गए, असली बीज है तो बीज आ गए, बीज वारसदार बच्चे आ गए, वारसदार बच्चे आ रहे हैं तो वरदान अंदर से निकल रहा है, वारसदार बच्चे तो अंदर से वरदान निकलेगा ना, तो आज से पहले दिया कभी किसी को वरदान, किसी को नहीं दिया, समय नजदीक आया, वारसदार बच्चे आ गए, बाप को पता है, करके दिखाएंगे, परमात्मा बॉम्ब लगाएंगे, परमात्मा बॉम्ब लगाएंगे, सब लगाएंगे। कितने बजे बेटे, 10 10 10 10 मन तो नहीं करता जाऊं मैं, मन तो नहीं करता जाऊं, क्या करूं, बच्चों को फिर कल तो कई चले जाएंगे, कल फिर भी मिलूंगा 11 बजे, जो बच्चे नए हैं तो नए बच्चों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं उनको समझाऊंगा, क्वेश्चन लेके जाएंगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे, कल रात को साउथ में बचेंगे तो मिलूंगा, तो रात को मैं मिलूंगा, मगर उनको मैंने बोला 5 बजे जाना है, रुकना है तो रुक जाओ, परसों सुबह जाओ, आंध्रा वाले रह जाएंगे। कितने बजे जाने वाले, परसों सुबह 6:30 बजे का, अच्छा 6:30 परसों सुबह जाएंगे, मगर सुबह 4 बजे जाएंगे ना, नहीं, तो उनको भले शाम को अगर रहना है तो रह जाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई अर्जा नहीं, अंकलेश्वर वाले दोनों सुबह जल्दी जाना है तो उनके साथ चले, साथ में नवजीवन में भी जा सकता है, नवजीवन में जा सकता है, अच्छा तो इनके साथ नवजीवन में चले जाओ, इनके साथ नवजीवन में चले जाओ, सूरत तक नवजीवन में चले जाओ, जैसे में आपकी मर्जी, आपको भी नवजीवन जाना है साथ में जाओ, कोई बात नहीं, मैं कल शाम को मिलूंगा इनको तो आप जितना टाइम मैक्सिमम मिलता है इतना ले लो, इस टाइम फिर बार बार वापस आने वाला नहीं है, जितना टाइम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, सामने रहोगे, कारण से रिचार्ज हो जाएगा, ज्ञान भी मत कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर क्वेश्चन होगा और लेके जाओगे, अभी मैं फोन भी बात नहीं करता, पहले तो किसी का क्वेश्चन होता था फोन में अलाउ करता था, मोबाइल अलाउ करता था, अच्छे बच्चों को कॉल करता था,
फोन पे। अब तो जब शिवरात्रि में आओगे तब बात करूंगा, अभी तो किसी भी इंटरनेट पे भी जवाब नहीं देता, इंटरनेट पे जवाब नहीं देता। मेरी स्टेज वो ऊपर मुझे ज्ञान बनाना है, ऊपर मैंने कोई मिनट टाइम नहीं मिलता, सोचने का वक्त और मिलता ही नहीं। मेरी अगर आप हालत देखो तो इतनी समय के मामले में आप देखो तो मैं वैसे फ्री हूं, मेरे पास कोई मिलने आ जाए तो वैसे मैं फ्री लगूंगा, मगर बुद्धि उपराम होती है इसलिए मैं किसी को मिलता भी नहीं, किसी को अलाउ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। जैसे कोई मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर वाले साथ रहेंगे ना, तो बेटे मैं ऐसे पूरे दिन फ्री हूँ। कोई कह जाए मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मगर मेरी बुद्धि हमेशा उपराम होती है। कभी कभी वो बुद्धि उसमें लगानी पड़ती है, बहुत उपराम हो जाए तो टीवी चालू रख के रात को देखता रहता हूँ पुराने गाने, तो थोड़ी बुद्धि आधी वहां लगाता हूँ आधी ऊपर लगाता हूँ। पॉलिटिक्स में भी कभी लगाता हूँ, अब तो अच्छा नहीं लगता इसलिए पॉलिटिक्स को देखता ही नहीं, बंद कर दिया मैंने, आज की बात टोटली बंद कर दी। तो मन कहीं साकार में लगाने के लिए, मन अब क्या होता है साकार में लगाने के लिए मैं टीवी चालू करके पुराने गाने देखता हूँ, कुछ डिस्कवरी हिस्ट्री डिस्कवरी साइंस देखता रहता हूँ, तो कभी उधर मन कभी ऊपर, कभी उधर कभी उधर, ज्यादा ऊपर न चला जाऊं, सोच रहे ज्यादा ऊपर मेरी ऊपर पूरी ऊपर न चला जाऊं, इसलिए टीवी के सामने कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, कभी निराकारी। और निराकारी स्टेज बन जाए फिर तो साकार में आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर जिस दिन निराकारी स्टेज बन गई, पूरा ऊपर की पूरी सिस्टम दिखने लग गई, निराकारी स्टेज बन गई, साकार में आने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, उसी टाइम मेरे को नींद की गोली खानी पड़ेगी, समझ में आए। उसी टाइम पर मुझे पता लग जाए कि मेरी निराकारी स्टेज बन गई है, मैं आधी नींद की गोली खा लूंगा, फिर मैं सोने की कोशिश करूंगा, मैं सो जाऊं, नहीं तो उसी मोमेंट पर अव्यक्त स्वरूप बन जाएगा और ये शरीर रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा, ऐसी मेरी स्टेज है। इसलिए मेरी स्टेज को कोई समझ नहीं पाए, समझ में आए, ये ज्ञान की डुबकियां लगाते लगाते ऐसी स्टेज उपराम हो जाती है। और जब निराकारी हो जाती है एकदम उपराम, एकदम ऊपर में यहां चला जाता हूं, ऊपर की सारी सिस्टम कभी कभी देख लेता हूं, ऊपर भी सिस्टम सारी दिखाई देती है, और कुछ कुछ वहां के निराकारी स्टेज में कुछ वहां का कुछ बातें मैं देखता हूं, और ऐसी एक ऐसे हो जाता है तो मैं समझ जाता हूँ, फिर मैं गोली मेरे जेब में ही रखता हूँ, आधी गोली नींद की आधी गोली जेब में रखता हूँ, जेब में डाल देता हूँ, उसी मोमेंट पर मुझे पता लग गया कि ऊपर नहीं है, उसी मोमेंट पर आधी नींद की गोली मैं जेब में नीचे डाल देता हूँ, फिर ऐसे ही सोने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये शरीर ना तो व्यक्त से अव्यक्त बन जाऊंगा मैं, पूरी लाइट की बॉडी हो जाती हूँ। एक बार हुआ था ऐसे ही, लाइट पूरी ऊपर चला गया, मैंने बोला ऊपर तो गया गया, वापस जाना कैसे है मेरे लाइट की बॉडी में। मेरा मैं पहले रूम अंदर स्टॉपर मार के काम करता था, मेरे रूम में कोई नहीं है, रूम अंदर से स्टॉपर मार के काम कर, मेरे रूम में किसी को अलाउ नहीं है, किसी को भी मेरे रूम में अलाउ ही नहीं है, मेरा योग रूम में, चाहे ये हो चाहे घर पे हो चाहे दिल्ली वाला हो, मेरे योग रूम में किसी को नहीं अलाउ करता। 15-15 दिन तक रूम साफ नहीं होता मेरा, कितना 15-15 रूम तक मैं काम वा मेरे रूम में किसी को काम नहीं करने देता, अलाउ नहीं करता, क्योंकि ओरा सील है, पूरा रूम सील है, ओरे से भरा हुआ है, अंदर कोई आएगा एंट्री करेगा तो मेरा ओरा तोड़ देगा, इसलिए मैं किसी को अलाउ नहीं करता। तो एक बार हो गया था ऐसा, इसके बाद से मैं बहुत मुश्किल से आया, मुझे नीचे जाना है, एकदम ऊपर बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, फिर मैंने बोला आप नीचे जाना है वापस, ये शरीर ही गायब था, समझ गया, ये शरीर गायब ऊपर, अब वापस शरीर में आना है, मुश्किल से आया हूं मैं, ऐसे आया हूं बहुत मेहनत की है। एक बार सूक्ष्म शरीर भी निकल के गया था, यहाँ शुरू शुरू में यहाँ इस रूम में, यहाँ तुम्हारी माँ सामने बात करती थी, बात तुम्हारी माँ क्लास कराने की, बाहर से लॉक लगा के, तुम्हारी माँ बाहर से लॉक लगा के मुझे लॉक बंद करके जाती थी क्लास कराने, बहुत लोग आए थे, मैं इस रूम में था शायद, और मेरा सूक्ष्म शरीर ऊपर चला गया और मैं नीचे हूँ, मेरा सूक्ष्म रूप तो ऊपर से फिर वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि आधा आधी डेड साइलेंस हो जाती है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा तो डेड साइलेंस जैसी
सबकॉन्शियस माइंड से भी उपराम स्टेज हो जाते हैं, वापस में आना। उसी टाइम से मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं करता, ज्यादा योग भी नहीं करता, मैं देवान में उसी टाइम से मेरे को पता लग गया। अरे तो पूरी एक बार पूरी बॉडी चली गई, गायब हो गया मैं, बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए साकार में रहने का बहुत बड़ा मेरे को अब चैलेंज है, साकार में रहने के लिए मेरे को अब चैलेंज है। इसलिए ज्यादा लोग आएंगे, 1000 लोग आ गए, मैंने पावर दिया, मैं एक सेकंड में व्यक्त सेवक हो जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो लोग? बच्चे समझते हैं? बच्चे तुम्हारी भी यही हालत होगी, क्योंकि अभी तुम घर जाओगे, तुम्हारे 1000 काम है, परिवार को संभालना है, धंधा दोरी करना है, नौकरी जाना है, जो भी। मेरे को अब धंधा दोरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग की कोई याद नहीं करता, मेरे को एक ही काम है, नई दुनिया बनाना। क्या है? बस एक ही काम है मेरा, एक ही लक्ष्य है। मगर मैं साकार में रहकर, ये दुनिया में रहकर बच्चों को मिलना चाहता हूं। मेरा भी मन है, मेरा भी मन करता है। कोई भी बाप ऐसा हो कि अपने इतने पूरी जिंदगी विचारों ने पूरी जिंदगी बल लगा दी हो और उनको साकार में, मैं तो ये जानकी दादी को भी सकात देकर कहता हूँ, ये जिंदा रहे तो मैं कभी साकार में उनको मिलूँ। जानकी दादी को देखता हूँ, सकात देता हूँ, मेरा मन करता है इनको साकार में मिलूँ। बहुत पावर देता हूँ जानकी दादी को, दूर दूर सब दादियों को देता हूँ, देखता हूँ टीवी में, रोज एक घंटा टीवी देखता हूँ, पीस ऑफ माइंड, रोज डेली एक घंटा। अच्छे अच्छे प्रोग्राम आता है तो सकात देता हूँ, जब पूरे सब बच्चे बैठे होते हैं पूरा, तो सबको सकार देता हूं। मन करता है साकार में मिलने का, मन करता है, मगर जो स्टेज होती है, सिचुएशन होती है, वो स्टेज और सिचुएशन अलाउ नहीं करेगा। जैसे भी मैं 1 लाख के सामने खड़ा हो जाऊंगा, आप मानोगे नहीं कि ऐसे लाइट की बॉडी हो जाएगी। इन लोगों की जीत है मैं साकार में मिलूं, अब मैं चाहूं तो भी नहीं मिल सकता, भले वो 1 लाख का हॉल बनाए कि 9 लाख का हॉल बनाए, वो 1 लाख का हॉल बना रहे हैं डीके वाले, इसलिए बना रहे हैं, ऊपर से डायरेक्शन है उनको, उनको ये तो नहीं पता कि क्या होने वाला है, ऊपर से डायरेक्शन है कि 1 लाख का हॉल बनाओ। पहले 25,000 वाला बनाए, 25,000 वाले में गए आप कोहिनूर, वो कोहिनूर में क्या नाम है, डायमंड, डायमंड में एक बार चक्कर लगाने गया था अंदर, आपको पहचाना कोई नहीं? नहीं, मैं ऐसे, मैं अनंत, माता जी थे, नीरू थे, साक्षी पांचे गए थे। हाउंड आबू हर साल एक बार जाता हूँ, वहाँ का एटमोसफियर चेक करता हूँ, वहाँ वाइब्रेशन डालता हूँ, नेगेटिव आत्मा जो भूत प्रेत हो वहाँ से थोड़ा निकाल देता हूँ, जो बीके वालों को वाइब्रेशन डाल के वहाँ की जो वहाँ बीके वाले जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है वहाँ परेशान होती है तो मैं पता लगता है, तो मैं उनके एरिया में पावर डाल के उनको सकार देकर उनके एरिया में नेगेटिव आत्माएं न जाएं, भूत प्रेत न जाएं, इसलिए मैं एक ओरा करके आ जाता हूँ। यहाँ भी ओरा करते था, जहाँ जहाँ बीके के स्थान, ऐसे वो मेरा आकारी रूप वो करता है, मगर मुझे कभी कभी डायरेक्शन देना पड़ता है कि वहाँ बीके वालों को परेशानी हो रही है, वहाँ खाने पीने वाले भूत प्रेत, आबू में खाने पीने वाले बहुत भूत हैं, ये सारे गुजरात वाले आबू में क्या जाते, खाने पीने जाते, गुजरात में पीना अलाउ नहीं है, इसलिए हर सैटरडे संडे सब गाड़ियाँ निकाली माउंट आबू पहुँच जाते हैं खाने पीने वाले, वहाँ खाने पीने वाले भूत बहुत हैं, खाने पीने वाले भूत बहुत हैं, वहाँ घूम रहे हैं, तो बीके वाले के जो सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्मा शरीर छोड़ के बहुत गई हैं बीके में, वो माउंट आबू में बहुत रहती हैं, उनको वहाँ निकाल देते हैं, भगा देते हैं अपने स्थानों से। कई बार मैं सकात देता हूँ, कई बार वहाँ का वायुमंडल चेक करता हूँ, सकात देता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, उनको भी प्रोटेक्शन देता हूँ बीके वालों को, मगर ऊपर से प्रोटेक्शन करता ही है, मेरा आकारी रूप हर जगह में प्रोटेक्शन करता है, मगर कई बार वहाँ उपद्रव बहुत देखा है मैंने, माउंट आबू में बहुत उपद्रव होता है। सोचता हूँ मैं, कोशिश करूंगा, जहां तक मैं साकार में रहने की कोशिश करूंगा, मगर आप लोगों को आज इसलिए कभी कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकता कि 9 लाख को मैं साकार में मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, 16,000 आएंगे तो भी उनके सामने मैं साकार में होऊंगा नहीं होऊंगा, इसलिए वो गारंटी मैं कभी किसी को दे नहीं सकता। साकार में कब तक रहूंगा ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। अरवाणी में बोला अंत में, तुम्हारा बाप एक से एक स्वरूप धारण कर लेगा,
तुम दो शब्द भी सुन लोगे तो 9 लाख में आ जाओ। इसलिए मेरे सामने आकर जिन्होंने एक बार बाप कहा है, क्या दिल से एक बार बाप कहा तो भी वो 9 लाख में आ जाए, मेरे सामने आकर एक बार भी बाप कहा दिल से तो भी बाप 9 लाख में आ जाए। मगर जो आसुरी वृत्ति वाले होकर के गए हैं, जो बहुत ब्लैकलिस्टेड है, वो कभी मैं उनको नहीं लूंगा, क्योंकि देवता ही संस्कार नहीं है, देवता ही संस्कार अंश मात्र में भी नहीं है, 1% भी नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं आना, ब्लैकलिस्टेड। चलो कोई बात नहीं, खुश में रहो आप, इतना भी साकार मिलन बहुत होता है, इतना भी साकार मिलन बहुत बड़ा होता है। आप देख लो ऊपर बड़े 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 ये सब वो टीवी में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी तरस रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है देवता भी मनुष्य अवतार लेने के लिए तरसते हैं, देवता भी मनुष्य अवतार लेने के लिए तरसते हैं। लक्ष्मी ठीक हो बेटा? बेटा शुगर का ध्यान रखा कर, साथ में शुगर की वो मीठी गोली साथ में रखा कर, कभी कभी तू शुगर डाउन हो जाता है, मुझे पता लगता है। हाँ बेटा, वो शुगर की गोली आती है ना, मीठा शुगर कम हो जाए उसकी गोली आती है, वो रखा कर। मैं पहले अपने पास रखता था, काम ऐसा लगे ना थोड़ा तो एक दो गोली खाया कर, या मीठा जेब में रखा कर। मैं भी प्लेन में कहीं भी जाता हूँ तो मीठा साथ में रखता हूँ, अपनी एक डिब्बी में मीठा गुड़ साथ में रखता हूँ। गुड़ मेरे को गुड़ अच्छा लगता है, गुड़ खाता हूँ एयरपोर्ट पे बैठ के, गुड़ खाता हूँ कभी लग जाए तो, प्लेन में बैठकर भी गुड़ खाता हूँ। प्लेन में बैठकर डिब्बी निकालूंगा अपने जेब से, फिर उसमें से गुड़ निकाल के खाऊंगा। शुगर वाले को ध्यान रखना चाहिए बेटा। देखो बेटा इतना भी अगर मैं जब तक कोशिश करूंगा, मैं मिलता रहूंगा जब तक मैं कोशिश करूंगा, 16,000 को भी तो लास्ट आने वालों को तो शायद ही मिल पाऊं 16,000 में लास्ट वालों को। मगर आप लोगों को भी जो नहीं आ रहे हैं बच्चे, आगे चलकर आप लोगों ने जो प्यार लिया है, इतना प्यार इन बच्चों को नहीं मिलेगा, आने वाले बच्चों को इतना नहीं मिलेगा। उनको भी एहसास होगा, आप लोग बच्चों की जब बातें करेंगे तो एहसास होगा और फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। वैसे भी टू लेट का बोर्ड लगने में देर नहीं लगेगी, तब तो बहुत मुश्किल होगा। बाप को बच्चों का रोना देखा नहीं जाएगा, अंत में बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, तब एक सेकंड में उसको शांत करना पड़ेगा, एक सेकंड में उसको शांत करना। हाँ करो, जय जयकार, समझ गए ना? पहले यादव कुल से ही होगा, यादव कुल जब टूटेगा तो हाँ कर मचा देगा, फिर इसकी भारतवासी कुंभकर्ण नींद में सोए हैं, वो 9 लाख वाले भारतवासी कुंभकर्ण नींद से जागेंगे, फिर एक साथ में उठेंगे, फिर मुश्किल खड़ी हो जाएंगे। मुश्किल बाप तो फिर भी सबको माफ कर देगा, कोई मेरे लिए उसी में भावातीत होगा, फिर सुपर कंप्यूटर में ऊपर रिकॉर्ड सबका पड़ा है, उसके हिसाब से 9 लाख का नंबर निकलेगा, 16,000 का भी सुपर कंप्यूटर में रिजल्ट आएगा, तुमने बीके में इतना किया, पीबीके में इतना किया, यहाँ इतना किया, सब हिसाब किताब निकलेगा। आपको जो वरदान मिला है उनको वरदान थोड़ा मिलना है, वो ऑन मेरिट आएंगे, क्या आएंगे? वो ऑन मेरिट आएंगे। आप लोग वरदान से पा रहे हो, क्या मिलता है आपको? वरदान। आपको जो मिला है वरदान है, आपका पुरुषार्थ नहीं। जो डायरेक्ट आएगा क्या उसका पुरुषार्थ है क्या? आगे दे दिया मिल गया। जो पूरे साल 50 साल बीके में गुजार के कई लोग आए, बुढ़े होकर आए हैं कहीं, उसको वो मिला जो आजकल नया डायरेक्ट आ गया, उसको मिल गया उसका भाग्य। क्या कहेंगे उसको? उसका भाग्य क्या कहेंगे उसको? भाग्य कहेंगे। भाग्यशाली होगा, उसको मिल जाए। इसलिए देखो बच्चों को समझाता है बाप, हर चीज को समझाता है, चेतावनी भी देता है, आगे आने वाले कल की चेतावनी भी देता है। 18 साल का बाप प्रैक्टिकल अनुभव भी आपको बताता है। इसलिए अनुभव बताता हूँ कि बच्चों को, आपको भी, कि आने वाला जो कल है
वो भी आपका घर में भी आपका परम नाम जैसी स्टेज बनेगी, तो आपके घर में भी साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में आपके साक्षात्कार होंगे, आसपास वाले भी देखेंगे कौन देवता है कौन देवी है, अड़ोस पड़ोस वाले भी देखेंगे, आप लाइट की बॉडी में देखेंगे आपको, अरे ये फरिश्ता समान कौन है, सब देखेंगे। मगर उसी टाइम तुम तुरंत ही घर छोड़ के बाप के पास फरिश्ता उड़ के आओगे, कैसे आओगे तुम उड़ के आओगे, विदेश होगा तो प्लेन की जरूरत नहीं, विदाउट करता उड़ के आएंगे, बच्चों के पास कैसे आएंगे, जैसे कृष्ण के पास गोपियां कैसे आती थी, बंसरी बजाता था तो उसके पावर जाता था, गोपियों का पावर आत्मा में पावर आती थी, उसका कारण शरीर चार्ज होता, सूक्ष्म शरीर निकाल के आती, गोपियां सूक्ष्म शरीर निकाल के आती, राधा को तो बंद करके लॉकेट की में बंद करते थे, राधा को गोपियों को भी लॉकेट की में बंद करते, वो भी रासलीला करता, तो रासलीला क्या थी, रासलीला उसकी दिव्य लीला थी, सूक्ष्म शरीरों की लीला थी, कृष्ण की जो रासलीला थी कृष्ण को भी कोई नहीं जान पाया इस संसार में, मैं समझता हूँ कृष्ण को भी नहीं जान पाया तो कृष्ण क्या चीज है, कृष्ण की रासलीला को कोई समझ नहीं पाया, वो दिव्य लीला थी, रासलीला नहीं थी दिव्य लीला थी, हर कोई के हद हर कोई के साथ कृष्ण था, वो दिव्य लीला के दर्शन तो नरसिंह मेहता को हुए थे, उसने साक्षात्कार हुआ और वो पागल हो गया था वो देखकर दिव्य रासलीला का, हाँ उसके हाथ जल गए थे मशाल में, मशाल पकड़ के रखा था उसके हाथ जल गए थे, फिर भी उसको पता नहीं लगा, ऐसे थे भक्त नरसिंह मेहता, ऐसे बड़े बड़े भक्त, ऐसे भक्त जब रिबॉर्न होकर आएंगे तो यहाँ ही आएंगे ना, ऐसे भक्त तो उसका तो जन्मों जन्म की भक्ति है, तो उसका भाग्य तो ऊंचा है, भक्ति बहुत खूब की है तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो कभी कभी डायरेक्ट इसलिए भले मना करते तो भी आ जाते हैं, लाख मना करो कोशिश तो आ जाते हैं, हर एक बार बाप के सामने आ गए तो बाप तो ना कोई ऐसे निकाल दे तो कहते हैं, मगर कोई आ जाए बाप समझ के आ जाए तो ऐसे डायरेक्ट आ जाए, भक्ति का फल ज्ञान ऊंचा है ऐसा फल मिल जाए, ऐसे डायरेक्ट क्या है, भक्ति है फल मिलता है, बच्चों को फल मिलता है, ऐसे भक्त बहुत बड़े भक्त कई संत रैदास बड़े बड़े भक्त हुए जो यहाँ आ जाएंगे, भक्ति का फल उसको ज्ञान मिलेगा, डायरेक्ट आएंगे 10% मैंने मार्जिन रखा है उन लोगों के लिए, डायरेक्ट वालों के लिए, इसलिए कृष्ण को भी कोई नहीं समझ पाया, कृष्ण ने बहुत कोशिश की, कृष्ण को कोई नहीं समझ पाया, कृष्ण क्या चीज थी वो भी बेचारा नहीं समझ पाया, वो बेचारा दुखी होकर शरीर छोड़ा, अंतिम समय उसका मैंने एक बार इमर्ज किया था, कृष्ण का अंतिम समय बहुत दुखी था, क्योंकि उसका दोनों कुल आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनके कुल में ही आपस में, अब उसने बोला कि एक ऐसा कुल क्या करूंगा, उसके विनाश करवा दिया एक ऋषि ने, कौन सा ऋषि था, हाँ वो ऋषि को द्वारा उसने श्राप दिलाया, उसने बोला मेरे कुल पे श्राप दे दो और सबका विनाश करा दो, दुर्वासा किसी से श्राप दिलाया सब विनाश करा दो, अपने ही कुल का विनाश करा, फिर वही कुल अभी दिखे में है, वही कुल कृष्णावतार वाला जो वो कुल है जो दोबारा मिला, अभी वही कुल है सोने की द्वारका वाला, वही कुल है सब कुछ, वही 16108 उसकी घरवालियां हैं, वही उनके बच्चे आ रहे हैं, वही उनके जो बच्चे हैं वही आ रहे हैं, बचपन तो वही सेना जो से यादव उसकी सेना थी ना कृष्ण के पास जो दुर्योधन ने मांगी थी, 18 सेना वही सेना है उसके पास, वही सब कुछ वही है, संख्या कम है, संख्या वहां तो 33 कोटी होने चाहिए थी, अगर उसने प्योरिटी का कायदा नहीं बनाया होता कंपलसरी तो आज 33 कोटी वहां होते, ये गलत कायदा बनाया इन्होंने, कायदा थोड़ा ऐसे होता है, ये काजल की कोटली है, दलदल में है और बोले तुम घर गृहस्थ वाले प्योरिटी में रहो, जबरदस्ती की प्योरिटी बेचारे रोज रो के चिल्लाते रहते हैं बेचारे जबरदस्ती, वहां चल रहे बेचारे रो के, प्योरिटी का कायदा नहीं होता वहां 33 कोटी देवताएं आज होते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और हमें आसान होता काम करना, कि वहाँ 33 कोटी आ जाते तो यहाँ एडवांस पार्टी में काफी कम से कम 50 लाख करोड़ आ जाते, कम से कम 2 करोड़ तो आ जाते, और 2 करोड़ तो मेरे यहाँ फटाफट साकार रूप में कुछ मेरे को 9 लाख में प्राप्ति, थोड़े थोड़े लाइन लग जाती तो आसान होता, मुझे बहुत आसान काम हो जाता मेरे लिए,
मगर ये कायदे बना बन के बैठ गए ना, तो इसलिए काम खराब हुआ। कायदे इसलिए बदनाम हुई, संस्था बदनाम हुई। लोग कहते हैं भाई बहन बनाते, क्या कहते हैं, बदनाम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कंपलसरी कायदे नहीं होने चाहिए कि तुम भगवान मिलने गए। ऐसे नहीं, मेरे पास तो बाप है, बाप के सामने बच्चा कैसा आएगा, गंदा ही होगा ना। अगर वो बाप है तो उसकी आत्मा को साफ करेगा ना। बाप का काम क्या है, तुम बाप के पास क्यों आते, तुम्हारी आत्मा का कचरा साफ करने के लिए तो आएंगे ना। बाप की ड्यूटी क्या है, तुम्हारी आत्मा का कचरा साफ करे। बाप की ड्यूटी होती है वो तो मैले ही आए ना, मैली चादर ओढ़ के आएंगे बच्चे, तो मैली चादर ओढ़ के ही आएंगे। कई बच्चे होते हैं कि मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे आऊं तेरे दर पर। अरे भाई, यहां तो मैंने कोई कायदे ही नहीं बनाए, मैंने अभी तक कोई कायदे बनाए। ये सफेद कपड़े वाले मैंने खुशी से बोला, जो हो तो पहन के आना, मुझे सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं, बीके वालों का ड्रेस अच्छा लगता है, मैंने बोला था। तो जो आ गए तो खुशी वेलकम, सफेद वाले कपड़े अच्छे लगते।